हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी M12 और आज होगा इसका अनबॉक्सिंग और मैं एक हॉनेस्ट रिव्यू देने का आपको पूरा ट्राई करूंगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। एक महीने बाद मैं इसका पूरी तरह से टेस्ट करके मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि एक महीना लगातार इस्तेमाल के बाद मुझे कैसा परफॉर्मेंस ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। सो ऐसा दिखता है गैलेक्सी M12 का बॉक्स। नीचे के साइड इन्होंने प्रिंट कर रखा है कि इस पैकेजिंग के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट देखने को मिलेगा और सैमसंग का एड्रेस और कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जैसे ईमेल एड्रेस, टोल फ्री फोन नंबर। और पीछे के साइड इन्होंने अपने कुछ स्पेसिफिकेशंस को हाईलाइट कर रखा है, जैसे 6000 mAh का बैटरी, 15 वाट चार्जर, क्वाड माइक, इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको यहां देखने को मिल जाएगा। वेट है इसका 221 ग्राम और आप देख सकते हो 6x128 GB का वेरियंट है मेरे पास। सो अभी देखते हैं बॉक्स के अंदर हमको क्या क्या कंटेंट देखने को मिला है। सो इसके बॉक्स के अंदर मुझे सिर्फ एक 10 वाट का चार्जर और एक डाटा केबल ही देखने को मिला और कुछ भी इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, ना केस ना ही स्क्रीन प्रोटेक्टर। 10 वाट चार्जर की वजह से इसका चार्जिंग टाइम है अप्रोक्स 2.5 आवर्स, जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। और अगर फोन के डिजाइन के बारे में बात करें तो फोन का डिजाइन बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगा मुझे। फोन के बैक साइड में आपको पॉली कार्बोनेट हाजी मैट इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिस वजह से आपके हाथों में काफी सही तरीके से ग्रिप बनाए रखेगा, इजीली आपके हाथ से फिसलेगा नहीं है। सो ये डिजाइन सबसे ज्यादा मस्त लगा मुझे इसमें। अब सुन सकते हो। और कर्व एज पैनल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 9.7 mm थिकनेस के साथ। और अगर आप इसके पीछे के साइड देखोगे तो इसके पीछे का जो कैमरे का ग्लास है ये थोड़ा सा उठा हुआ है, बॉडी से थोड़ा सा ऊपर है, जिस वजह से जब आप इसे टेबल पे रखोगे तो इसका कैमरा बहुत जल्दी स्क्रैच हो जाएगा। सो आपको इसे बहुत ही ज्यादा संभाल के यूज करना है और आपको केस लेना ही पड़ेगा इसका इस्तेमाल करने के लिए। और इसमें आप 2 SIM और 1 SD कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, मेमोरी कार्ड और 2 SIM। और प्लास्टिक बैक पैनल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके साइड में भी आपको प्लास्टिक का ही बॉडी देखने को मिलेगा और अपर साइड आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। और साइड माउंट फिंगरप्रिंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी फास्ट है और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। और अगर आप इसके पीछे के साइड देखोगे तो सिंगल स्पीकर्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है और एक 3.5 ऑडियो जैक इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। सो अभी आप सुन सकते हो इसका लाउडनेस कितना है। ड्यूअल बैंड वाईफाई कॉलिंग का भी फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच का IPS डिस्प्ले देखने को मिल रहा है 90 हर्ट्ज के साथ, जिस वजह से गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है इसका और बहुत ही ज्यादा स्मूथ है इसका डिस्प्ले। इन्फिनिटी वी डिस्प्ले आपको इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है और इसका ब्राइटनेस पीक लेवल भी काफी ज्यादा है, जिस वजह से सनलाइट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड्रॉइड 11 UI 3.1 का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा स्मूथ और इजी टू यूज है। नॉक्स 3.7 का सिक्योर फीचर्स आपको यहां देखने को मिल रहा है, जिस वजह से सिक्योरिटी के मामले में भी बेस्ट है ये फोन। एक्सिनो 850 का चिपसेट आपको इसमें देखने को मिल रहा है 8 nm के साथ। और इस प्रोसेसर की खास बात यह है कि इसमें आपको 8 कोर देखने को मिल रहा है और 8 कोर आपको 2.0 GHz के स्पीड प्रोवाइड करते हैं। दूसरे प्रोसेसर में क्या होता है, 4 हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर होते हैं और 4 लो परफॉर्मेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 8 के 8 हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिस वजह से गेमिंग के टाइम काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको ये प्रोवाइड करेगा। और DDR4 1866 MHz का स्पीड आपको ये प्रोवाइड कर रहा है और इसके अंदर आपको काफी सारे इक्वलाइजर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि कमाल का साउंड एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। आप देख ही सकते, आप अपने अकॉर्डिंग इसे इक्वलाइज कर सकते हो। सो ये फीचर सबसे ज्यादा मस्त लगा मुझे सैमसंग में। और इसमें आपको क्वाड 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है f2.0 वाइड एंगल के साथ, दूसरा है 5 मेगापिक्सल f2.2 अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ, तीसरा है 2 मेगापिक्सल f2.4 माइक्रो कैमरा और चौथा है 2 मेगापिक्सल f2.4 डेप्थ कैमरा। और इसके फ्रंट साइड में आपको 8 मेगापिक्सल का f2.2 कैमरा देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप इंडोर वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग काफी अच्छा है, डिटेलिंग बहुत मस्त तरीके से आ रहा है। आप देख सकते हो मेरे मुंह में थोड़ा थोड़ा पसीना है, तो पसीने को भी ठीक से पकड़ रहा है ये। और यहाँ पे थोड़ा पसीना है, यहाँ पे थोड़ा पसीना है। सो डिटेलिंग काफी अच्छा है इसका। सो कैमरा सुपर्ब है। और अगर BGMI सेटिंग के बारे में बात करें तो स्मूथ में ये आपको अल्ट्रा का फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, बैलेंस में भी आपको अल्ट्रा देखने को मिल जाएगा इसमें, HD में आपको हाई का फीचर्स ये आपको प्रोवाइड कर रहा है और HDR फिलहाल अभी सपोर्ट नहीं करता, इन फ्यूचर में भी सपोर्ट करे अगर सैमसंग की तरफ से कोई अपडेट आता है तो।
और इसका गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत सही है। कंटिन्यूस 4 आवर्स 50% ब्राइटनेस में मुझे यहाँ 50% बैटरी ड्रेन होता हुआ दिखाई दिया। मेरा सेटिंग था बैलेंस में अल्ट्रा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो थैंक यू फ्रेंड्स।